हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग, आई होप से बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं बसु और आप देख रहे हैं अपना इंटरेस्टिंग चैनल टेक्निकल बसु। तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेक्निकल बसु की एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आपने सामने ये जैसे कि देखा ही होगा दोस्तों, आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपने जो इंस्टाग्राम है दोस्तों, इंस्टाग्राम के जो बहुत जो क्रिएटर है दोस्तों, उनकी जो मैं आपको दिखाता हूँ पहले दोस्तों, जो बहुत जो क्रिएटर है उनकी इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा कि वो जो अपने जो इमेज है दोस्तों डीपी, उसको जो सर्कल में कैसे रखते हैं और वो सर्कल में या डबल सर्कल में दोस्तों किस तरह से रखते हैं, मैं आपको वो बताने वाला हूं। तो देख, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है रोहित झंझुरके का यहाँ पे चैनल है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इन्होंने जो अपना ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, उन्होंने यहाँ पे जो गोल सर्कल है, जो गोल गोल सर्कल है दोस्तों, उनमें आप उनमें दोस्तों गोल गोल सर्कल कैसे लगाते हैं, उस वीडियो की दोस्तों मैं इस वीडियो में उसकी जो पूरी जानकारी है देने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों हम हमारे चैनल पर ऐसे कंटेंट लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे जाना है और आपको यहाँ पे सर दोस्तों, मैं जैसा जैसा टाइप करता हूँ आपको वैसा ही यहाँ पे टाइप करना है। रेड कलर सर्कल पेंज दोस्तों, आपको यहाँ पे रेड कलर सर्कल पेंज जैसा आपको डालना है दोस्तों। और यहाँ पे मैं आगे डाल देता हूँ, फॉरेस्ट का बोल के डाल देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अब हमें यहाँ पे इमेज भेजाना है दोस्तों। इमेज भेजाने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे नीचे आने के बाद दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे जो यहाँ पे सर्कल है यहाँ पे आ गए दोस्तों। आपको यहाँ से जो डबल है दोस्तों, आप यहाँ से जो डबल सर्कल वाला है आप वो भी यहाँ से लगा सकते हो। अरे, आप अगर हम आपके दिल पे है दोस्तों, यहाँ पे आप सिंगल भी लगा सकते हो या डबल भी लगा सकते हो। मैं आपको यहाँ पे डाउनलोड करके दिखाता हूँ कि वो दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे जो डबल सर्कल वाला है वो इसे डाउनलोड करके दिखाता हूँ दोस्तों। मान लीजिए मैं इसे यहाँ पे डाउनलोड इमेज कर दिया है। तो दोस्तों आप ध्यान रखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट पेंज है दोस्तों, आपको वो भी वही डाउनलोड करना है। वो डाउनलोड करने के बाद दोस्तों, आपको मैं आगे की जो स्टेप है, मान लीजिए मैं यहाँ पे इसे डाउनलोड कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसका बैकग्राउंड हमें डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ से आपको यहाँ पे मैं क्रोम पे जाके दिखाता हूँ। क्रोम पे जाने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे रिमूव इमेज में जाना है दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, आपको यहाँ पे रिमूव इमेज में जाना है दोस्तों। ये जो वेबसाइट है, ये आपकी जो यहाँ पे जो है पीएनजी फोटो बनाने के लिए है वेबसाइट है दोस्तों। आपको इसे क्लिक करना है, यहाँ से उसे डन कर देना है। डन करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ से आपको यहाँ पे ओके कर देना। ओके करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे इसे यहाँ से डाउनलोड कर देना। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों, आपकी जो इमेज है यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। होने के बाद दोस्तों, आपको फिर से जो आप जो फोटो आपने इंस्टाग्राम पे डालने वाले हैं दोस्तों, आपको उसी फोटो को यहाँ पे लेना है। मैं आपको यहाँ से एक फोटो लेके दिखाता हूँ। तो मैं पहले वो फोटो ले लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जो अपनी जो फोटो है, दोनों फोटो को यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिया है दोस्तों। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, अभी आपको जो आपका जो ये है, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे सीधा आपने जो यहाँ पे पिक्सलैब में जाना है दोस्तों। पिक्सलैब में आने के बाद आपको आपकी जो यहाँ पे जो सबसे पहले आपकी जो फोटो है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। आपको सबसे पहले यहाँ पे इसे लेना है। इसे लेने के बाद यहाँ पे आपको उसे ओके कर देना। ओके करने के बाद दोस्तों, आपकी जो पीएनजी इमेज है दोस्तों, आपको मैं यहाँ पे उसे पीएनजी इमेज को आपको यहाँ पे ले लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए मेरी जो ये पीएनजी इमेज है यहाँ पे, मैं आपको ये पीएनजी इमेज यहाँ पे मैं यहाँ से इसे बैक कर देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेरी पीएनजी इमेज है दोस्तों, यहाँ पे ऐड हो गए दोस्तों। ऐड होने के बाद इसका जो नीचे का जो पोर्शन है दोस्तों, हमें इसे यहाँ से कट कर देना है। मैं यहाँ से इसे कट कर देता हूँ दोस्तों। आपको उसे क्रॉप करने से पहले दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको उस इमेज को यहाँ पे पिक्सल में आने के बाद दोस्तों, आपको इसे यहाँ से सर्कल में ले लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि मैंने लेने के बाद दोस्तों यहाँ से वो अट्रैक्टिव दिख सकती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने उस इमेज को यहाँ पे ले लिया है। आप देख सकते हैं, अब हमें इसी इमेज को यहाँ पे लगाने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ से आना है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा।
आपको उसी ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो अपनी इमेज है यहाँ पे लगा ली है। लगाने के बाद दोस्तों मैं यहाँ से इसे यहाँ पे ट्रांसफर कर देता हूँ। अब हमें यहाँ से इसे इस इमेज को यहाँ पे अल्ट्रा क्वालिटी में से दोस्तों आपको यहाँ पे इसे सेव टू गैलरी कर देना है। इसे गैलरी करने के बाद दोस्तों आपको वही इमेज को यहाँ पे अपने जो ये है आपको दोस्तों सीधे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे जाना है। दोस्तों इंस्टाग्राम पे जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, स्टूडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, फिर भी मैं इसे यहाँ से बड़ा हो रहा है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर दोस्तों कुछ भाई जो होते हैं उनको यहाँ पे बड़ा वीडियो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमें उनके लिए छोटा वीडियो डालना पड़ता है। दोस्तों इसे हमें यहाँ से डालने के लिए हमें यहाँ से इसे पोस्ट में जाना है। पोस्ट में जाने के बाद दोस्तों आपको वही जो अपनी इमेज है उसी में उसको यहाँ पे ले लेने के बाद आपको इसे यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आप यहाँ से जो अपनी पोस्ट को यहाँ से अपने डीपी पे लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप आप इसे आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।